अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स, तो आप इस वक्त देख सकते हैं ये हमारा डकवीट का जो टैंक है बिल्कुल खाली हो चुका है। और जो है ना, इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये इस वक्त आप जो देख सकते हैं ये स्नेल्स हैं। इनकी मूवमेंट भी आप देख सकते हैं, ये तकरीबन हर जगह जो है ना यहाँ पर इतने मौजूद हैं। हमने जो है ना जब ये डकवीट इस टैंक में डाला था तो हमें पता नहीं था कि इनमें जो है ना इन स्नेल्स के एग्स या कुछ होंगे, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं और जो है ना नेकेड आई से वो नज़र भी नहीं आते। तो ये जो भी हमारी ग्रोथ हो जाती थी वो जो है ना ये स्नेल्स खा लेते थे। आप इस वक्त देख सकते हैं कि हमारा जितना भी ये टैंक था ये पूरा जो है ना खाली हो चुका है, क्योंकि इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है। आपने जो है ना इस टैंक से ये डकवीट हटा के किसी और टैंक में फिर शिफ्ट करने होंगे, क्योंकि हमारे पास इस तरह की कोई जो है ना फैसिलिटी नहीं थी। तो जो है ना हमें ये नुकसान उठाना पड़ा। तो इस वक्त जो है ना मैं ये टैंक जो है ना ख़त्म करने लगा हूँ, और फ्यूचर में इंशाल्लाह उम्मीद है फिर जो है ना एक नया टैंक जो है ना बनाएंगे और उसमें कोशिश करेंगे कि अजोला, वुल्फिया और ये डकवीट इन सबको जो है ना अलग अलग जो है ना इनके टैंक बना के जो है ना अपने फार्म में फिर यूज़ करवा सकें। ये जो है ना सब जो है ना हाई प्रोटीन फूड्स हैं और जो है ना बर्ड्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, और जो है ना इससे हमारी जो कॉस्ट है वो भी जो है ना काफ़ी जो है ना रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हम इनको अपनी जो कमर्शियल पैलेट्स हैं इनकी 70% रिप्लेसमेंट जो है ना इस डकवीट, अजोला या फिर वुल्फिया इन चीज़ों से कर सकते हैं। और बर्ड्स की हेल्थ पर भी जो है ना कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि वो जो है ना इससे और भी जो है ना मज़ीद अच्छे हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, देखते हैं। जी व्यूअर्स, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। तब तक के लिए जो है ना मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।